दोस्तों आज की वीडियो में हम इस पुराने होम थिएटर को ब्लूटूथ में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसके साथ में हम ब्लूटूथ के कनेक्शन करेंगे। दोस्तों ये मेरे पास में लगभग 8 से 10 साल पुराना इंडेक्स कंपनी का होम थिएटर है, जिसमें आगे की साइड में ना तो USB पोर्ट लगाया गया है जिसमें हम पेन ड्राइव या कार्ड रीडर को लगा करके सॉन्ग चला सकें, और यहाँ पर ना तो आपको कोई कार्ड वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का ऑडियो रिसीवर नहीं लगाया गया है। इसमें सिर्फ एम्पलीफायर बोर्ड रहता है और सॉन्ग चलाने के लिए पीछे की साइड में इसमें ये ऑडियो इनपुट वाली पिनें रहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये दो पिने हैं, ये ऑडियो इनपुट की पिने हैं जिसमें हम इस तरह की जो ऑडियो केबल रहती है इसे लगा करके, जो इसका ये 3.5 mm का जैक है, इसे मोबाइल में लगा करके सॉन्ग चला सकते हैं। तो दोस्तों सॉन्ग चलाने के लिए सिर्फ इसमें एक ही विकल्प रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कम से कम खर्चे में, यानी कि 50 रुपये के खर्चे में इसे ब्लूटूथ में कन्वर्ट करेंगे, और जो इसकी वायरिंग है वो भी बिल्कुल हम सिंपल तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों जान लेते हैं कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों हमें चाहिए एक मिनी ब्लूटूथ ऑडियो किट, जो कि आपको मार्केट में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की शॉप पर लगभग 40 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके हम कनेक्शन समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब हम किट को पलटेंगे तो पीछे की साइड में इसमें सब कुछ प्रिंट रहता है, यानी कि इसमें सब कुछ लिखा रहता है। इसमें 5 पॉइंट रहते हैं, यानी कि 5 पिने रहती हैं। जो ऊपर की 3 पिने हैं वो ऑडियो आउटपुट की पिने रहती हैं, ऊपर वाली लेफ्ट आउट, बीच वाली ग्राउंड और नीचे की राइट आउट। ठीक है, तो यहाँ से ऑडियो आउटपुट के कनेक्शन हो गए, और नीचे जो ये 2 पिने हैं ये 5 वोल्ट सप्लाई के, जहाँ पर VCC लिखा हुआ है यहाँ पर हम 5 वोल्ट पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, और जहाँ पर ये ग्राउंड लिखा है यहाँ पर हम 5 वोल्ट नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, और दोस्तों इस किट को हम लगभग 3.5 वोल्ट से लेकर के 5 वोल्ट तक की DC सप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर 5 वोल्ट की DC सप्लाई के लिए मैंने 7805 IC का उपयोग किया है, यानी कि रेगुलेटर IC की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। और दोस्तों ये IC भी आपको मार्केट में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की शॉप पर लगभग 5 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों मैं जो कुछ भी कंपोनेंट उपयोग कर रहा हूँ उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसकी पिनों के बारे में जान लेते हैं। इसमें 3 पिनें रहती हैं, जो पहले नंबर की पिन है वो इनपुट वाली पिन रहती है, यहाँ पर हम 12 वोल्ट पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, और जो इसकी बीच वाली दूसरे नंबर की पिन है वो नेगेटिव पिन रहती है, यानी कि ग्राउंड, यहाँ पर हम 12 वोल्ट नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, और जो इसकी तीसरे नंबर की पिन है वो आउटपुट वाली पिन रहती है, यहाँ से हमें 5 वोल्ट पॉजिटिव में मिलेंगे। ठीक है, और जो इसकी बीच वाली पिन है यहाँ से ग्राउंड ले लेंगे। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इन दोनों का कनेक्शन हम कहां पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर इस ब्लूटूथ किट का कनेक्शन आपको बता देता हूं। दोस्तों इसका कनेक्शन हम यहां पर जो ये पीछे की साइड में ऑडियो इनपुट की 2 पिनें रहती हैं, इसके पीछे आपको एक कनेक्टर मिलेगा जिनके वायरों के साथ में हम इस ब्लूटूथ किट का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसके कैप को खोल लिया है, मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये ऑडियो इनपुट की पिने हैं इसके पीछे की साइड में इसमें 3 वायर लगी हुई हैं, तो यहाँ से दोस्तों हम इन वायरों को हटा देंगे और इन वायरों को हम ब्लूटूथ किट की जो ऑडियो आउटपुट वाली पिने रहती हैं वहाँ पर जोड़ देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम ब्लूटूथ किट का कनेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों आप इस ब्लूटूथ किट का कनेक्शन आगे की साइड में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ये 3 वायर हैं ये आगे की साइड में वॉल्यूम बटन पर लगे रहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये ऑडियो इनपुट वाले वायर हैं वो यहाँ पर इस वॉल्यूम बटन की पिनों पर लगी हुई हैं। ठीक है, नीचे वाला बटन वॉल्यूम बटन है, और यहाँ पर वॉल्यूम बटन की जो लेफ्ट और राइट वाली पिन है उस पर रेड और ब्राउन कलर का वायर लगा हुआ है, और इसकी बीच वाली पिन पर ये ब्लैक कलर का वायर लगा हुआ है जो कि ग्राउंड है। और दोस्तों ग्राउंड पहचानने का एक और तरीका होता है, दोस्तों सभी सर्किट बोर्ड में आप दोस्तों कोई भी सर्किट बोर्ड उठा करके देखोगे तो जो ग्राउंड की प्रिंट रहती है वो ज़्यादातर हिस्से पर फैली रहती है। आप इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड वाली ये प्रिंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैली हुई है। दोस्तों इस तरीके से आप ग्राउंड पहचान सकते हैं, या दोस्तों आप मल्टीमीटर से भी चेक करके ग्राउंड पहचान सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप इन 3 वायरों को हटा करके ब्लूटूथ किट के जो ऑडियो आउटपुट की पिने हैं उनका कनेक्शन इस वॉल्यूम बटन के साथ में करके इसका कनेक्शन यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस ब्लूटूथ किट का कनेक्शन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसे पैक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ से इन वायरों को हटा लेता हूँ, इसके बाद में हम जो ब्लूटूथ किट है उसकी ऑडियो आउटपुट वाली पिनों के साथ में इनको जोड़ देंगे। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान देना है, जो रेड और ब्राउन कलर का वायर है उसे आप लेफ्ट या राइट में कहीं पर भी उलट पलट कर लगा सकते हैं, लेकिन जो ब्लैक कलर का वायर है उसे आपको ग्राउंड पर ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों जो ये ब्लूटूथ है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन 3 वायरों को क्रम से लगा दिया है। जो रेड कलर का वायर है उसे मैंने लेफ्ट आउट पर लगाया है, यानी कि ऊपर की साइड में, और जो ब्लैक कलर का वायर है उसे मैंने बीच में ग्राउंड पर लगा दिया है, और जो ब्राउन कलर का वायर है उसे मैंने नीचे की साइड में राइट आउट पर लगा दिया है। ठीक है,
अब दोस्तों हम 7705 IC की वायरिंग करेंगे और दोस्तों इसे हम लगाएंगे मेन कैपेसिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव वाली पिन के साथ में। दोस्तों जो मेन कैपेसिटर होता है वो डायोड की नेगेटिव और पॉजिटिव वाली पिन पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बारीकी से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के जो आउटपुट वाले तीन वायर हैं इसका कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है वो आउटपुट में AC देता है और AC को DC बनाने के लिए हमें डायोडों के द्वारा ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। इसके आगे आपको दो डायोड देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ये रेक्टिफायर बनाया गया है डायोडों के द्वारा। दोस्तों अगर आपके होम थिएटर में 0-12 का ट्रांसफार्मर लगा है, यानी कि दो वायर वाला ट्रांसफार्मर लगा है, तो यहाँ पर आपको 4 डायोड देखने को मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों इन डायोडों के आगे यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा, जिसे हम मेन कैपेसिटर बोलते हैं, और इसका काम है DC को फिल्टर करना, यानी कि DC को प्योर DC बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें 2200 UF 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें जो ये सिल्वर कलर की लाइन है इसकी ये नेगेटिव वाली पिन रहती है और इसकी दूसरी साइड की पिन पॉजिटिव वाली पिन रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली नेगेटिव पिन है और ये वाली पॉजिटिव पिन है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको दूसरी कैपेसिटर में दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मेरे हाथ में 47 UF 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर है और इसमें जो ये सिल्वर कलर की लाइन है इस साइड की पिन नेगेटिव पिन है और इसकी दूसरी साइड की पिन पॉजिटिव पिन है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों जो ये IC है इसकी पहले नंबर की पिन को हम कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली पिन पर जोड़ेंगे और इस IC की दूसरी नंबर की पिन को हम कैपेसिटर की नेगेटिव वाली पिन पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर IC के साथ में छोटा सा हीट सिंक लगा रहा हूँ, जिससे कि IC गर्म ना हो। तो दोस्तों मैंने IC के साथ में हीट सिंक को लगा लिया है और इसके बाद में दोस्तों हम इसकी कनेक्शन कर देंगे। तो IC की जो पहले नंबर की पिन है इसे हम कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली पिन पर लगा देंगे और IC की दूसरी नंबर की पिन को हम कैपेसिटर की नेगेटिव वाली पिन पर जोड़ेंगे। तो दोस्तों मैंने IC को कैपेसिटर की पॉजिटिव और नेगेटिव वाली पिन के साथ में जोड़ दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों हमें दो वायर के टुकड़े चाहिए, तो यहाँ पर मैंने ब्राउन और ब्लैक कलर के दो वायर के टुकड़े लिए हुए हैं। इसमें दोस्तों जो ब्लैक कलर का वायर है इसे हम IC की बीच वाली पिन, जो कैपेसिटर की नेगेटिव वाली पिन है, उस पर जोड़ देंगे और जो ब्राउन कलर का वायर है इसे हम IC की तीसरी नंबर की पिन, जो आउटपुट वाली पिन होती है, वहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने दोनों वायरों को IC के साथ में जोड़ दिया है और इसके जो दूसरे वायर हैं यहाँ पर जो ये ब्राउन कलर का वायर है इसे हम ब्लूटूथ किट में जहाँ पर VCC लिखा रहता है उस पॉइंट पर जोड़ देंगे और जो ये ब्लैक कलर का वायर है इसे हम नीचे की साइड में जहाँ पर ग्राउंड लिखा है वहाँ पर जोड़ देंगे। तो दोस्तों जो इसकी वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है और दोस्तों मैंने यहाँ पर एक डबल साइड टेप का टुकड़ा लिया है और इसे हम 7805 IC जो हीट सिंक है उसके नीचे की साइड में चिपका देंगे। दोस्तों यहाँ पर हम इसे सेफ्टी के हिसाब से चिपका रहे हैं, जिससे कि जो हीट सिंक है वो नीचे वाली पॉइंट से टच ना हो, ठीक है। अब दोस्तों मैं इस ब्लूटूथ किट को यहाँ पर ग्लू गन से चिपका देता हूँ, तो इसे मैं जल्दी से चिपका करके पैक कर देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसे सप्लाई दे दी है और जब हम इसे सप्लाई देते हैं यानी कि पावर ऑन करते हैं तो इस तरह से इसमें साउंड आता है। तो अब हम इसे मोबाइल से कनेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको नो कॉपीराइट म्यूजिक चला करके दिखाता हूँ।
दोस्तों आप इस तरीके से 50 रुपये के खर्चे पर जो नॉर्मल होम थिएटर होता है उसे ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हमें इस तरह की जो केबल आती है इस केबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। चलता हूँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।